गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में हूँ छू हिराणी सर। अने आज आप शुरू करीशू चेप्टर नंबर बे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट अने जावा स्क्रिप्ट। तो विद्यार्थी मित्रों, बोथ मीडियम के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को दिक्कत न हो, इसलिए अभी प्रैक्टिकल बेस्ड काम चल रहा है, तो उसमें आप एडजस्ट कर लेना। कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब CSS, जो हम नोटपैड के अंदर बहुत सारे टैग लिखते हैं बार बार फॉर्मेटिंग करने के लिए, जैसे कि बोल्ड की इफेक्ट देना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, तो ये सारे फॉन्ट के जो टैग है वो बार बार आपको लिखना पड़ेगा। अगर उस झंझट से आप छुटकारा चाहते हो तो उसके लिए आपको ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है वो बहुत ही इजी रहेगा। तो कैसे काम होता है इसके अंदर, ये भी हम सीखेंगे। अभी कंपोजर प्रोग्राम के अंदर ही हमें काम करना है, दूसरा कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट भी आपका नोटपैड में ही होगा और वेब ब्राउज़र के अंदर ही उसका आउटपुट देखना है। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से काम करना है। पहले हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट की सिंटैक्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंटैक्स ऑफ CSS दिया है, तो ये उनका जो सिंटैक्स है वो यहाँ पर दिख रहा है। सिलेक्टर कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, तो उसका एग्जांपल यहाँ पर है कि H1 ये टैग है, हेडिंग 1, तो उसको हम बोलेंगे सिलेक्टर। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है कलर कॉलन ग्रीन, तो कलर को बोलेंगे हम प्रॉपर्टी, और कॉलन के बाद जो लिखा है उसको हम बोलेंगे वैल्यू। मतलब H1 इज ए सिलेक्टर, कलर इज ए प्रॉपर्टी एंड ग्रीन इज ए वैल्यू। तो इस तरह से हमको इसका इस्तेमाल करना है। अब CSS आपके कंपोजर के अंदर ऐड करने के लिए क्या करना है वो यहाँ पर स्टेप दिए हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके ही बता रहा हूँ। आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में से इनके स्टेप फॉलो करना और उसको एक बार रीड करना है, बहुत ही इजी वे है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप एक बार देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो हमें इफेक्ट देनी है CSS में H1 हेडिंग को, ये इफेक्ट देनी है हेडिंग 1 H1, तो उसको हमें क्या क्या इफेक्ट देनी है, तो कि फॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन सेट करना है, कैश अपर कैश होना चाहिए, अलाइनमेंट सेंटर अलाइन होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू होना चाहिए और बॉर्डर डॉटेड होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम अभी कैस्केडिंग स्टाइल शीट ऐड कर रहे हैं। तो चलते हैं, कंपोजर प्रोग्राम ओपन करना है आपको, मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है फ्रेंड्स। तो ये कंपोजर प्रोग्राम है, उसके ये जो टूलबार आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है CSS स्टाइल शीट बटन पर, मतलब CSS एडिटर बटन जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो उसके अंदर आपको यहाँ से पहला रेडियो बटन आपको सिलेक्ट करना है, स्टाइल अप्लाइड टू ऑल एलिमेंट ऑफ टाइप। फिर यहाँ से आपको लेना है H1 टैग, अगर आप H2 पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। H1 से लेके H6 तक आपको हेडिंग दिए हैं, H1 सबसे बड़ी फॉन्ट वाला है, H2 उससे थोड़ी छोटी साइज वाला फॉन्ट, H3 उससे भी कम, H4 उससे भी कम, उस तरह से H6 तक छोटे बड़े फॉन्ट की हेडिंग है। कि आपको फॉन्ट बड़ा करना है तो H1 यूज़ करो, छोटा फॉन्ट लेना है तो H6 हेडिंग का इस्तेमाल करो। तो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे H1 पर, तो H1 मैंने सिलेक्ट किया। फिर क्रिएट स्टाइल शीट पर आपको क्लिक करना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर H1 लिखा है उसको सिलेक्ट करो। फिर आपको जाना है, अभी जनरल है उसमें, उसके बाजू पर जो टैब बटन है टेक्स्ट, उस पर क्लिक करना है। अभी हमने यहाँ पर जो
देखा टेक्स्ट बुक के अंदर वो फिर से रिपीट कर रहे हैं, फॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन, केस अपर केस, अलाइनमेंट सेंटर अलाइन, और बैकग्राउंड कलर ब्लू, बॉर्डर डॉटेड बॉर्डर रखना है। तो पहले लेते हैं फॉन्ट और केस और अलाइनमेंट, ये तीनों, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट में फॉन्ट सिलेक्ट करना है, तो प्री डिफाइंड में जाके या तो फिर यूज़ कस्टम फॉन्ट फैमिली, यहाँ से आपको टाइम्स न्यू रोमन लेना है, तो टाइम्स टी प्रेस करो, टी, और यहाँ से टी के ऊपर डायरेक्ट यू कैन जंप, टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर हमने ले लिया। फिर दूसरा है केस में अपर केस रखना है, तो केस यहाँ पर है, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अपर केस। अपर केस मतलब आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है, ये प्रीव्यू आपको दिख रहा है, टोटली सारे लेटर कैपिटल में अपने आप हो जाएंगे, तो ये इसका कमाल है। फिर अलाइनमेंट सेंटर अलाइन बोला है, तो ये अलाइनमेंट यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सेंटर। तो अलाइनमेंट सेंटर, केस अपर केस, फॉन्ट में टाइम्स न्यू रोमन आ गया। अब इस सेक्शन में और कुछ नहीं है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू रखना है और बॉर्डर डॉटेड, तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको कलर सेट करना है, ब्लू बोला है तो अभी मैं अपने हिसाब से ब्लू, लाइट ब्लू ले लेता हूँ, ओके करना है। तो ये आपका बैकग्राउंड आ गया। अगर कलर की जगह पे बैकग्राउंड पर आप कोई पिक्चर रखना चाहते हैं, फ़ोटो, तो ये चूज फाइल बटन पर क्लिक करके आप अपनी खुद की फ़ोटो बैकग्राउंड पर रख सकते हैं, मगर किसके बैकग्राउंड में वो सोचना, ये जो आपका हेडिंग वन लिखा होगा, सपोज़ कि हमने पहले चैप्टर के अंदर एडमिशन फॉर्म ऊपर हेडिंग में बड़े लेटर में लिखा था, तो उसका बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं कि टोटली पूरे पेज के बैकग्राउंड की बात नहीं हो रही है। आपके जो हेडिंग वन है उनका जितना लिखा पट्टी होगा हेडिंग वन का, उसके बैकग्राउंड के अंदर ये ब्लू कलर आएगा। फोटो रखनी है तो उतने में ही दिखेगा आपको, पूरे पेज पर नहीं दिखेगा, हेडिंग वन के जितने लेटर है उन लेटर के बैकग्राउंड में ऐसा कलर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बॉर्डर पे जाना है, और बॉर्डर पर डॉटेड बोला है, तो यहाँ पर से हम डॉटेड सिलेक्ट करेंगे। तो ये प्रीव्यू में आप देख रहे हैं बॉर्डर हमें डॉटेड दिख रही है, अगर डॉटेड की जगह पे आप और कुछ लेना चाहते हैं तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल यहाँ पर दिया है। तो हम वापस डॉटेड रख लेते हैं। फिर ये बॉक्स, लिस्ट, ओरल, ये सब अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज़ हमें नहीं दिया है हमारे कोर्स में। तो बॉर्डर में हमने डॉटेड रख दिया। अब एग्ज़ाम के लिए यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स के अंदर कितने टैब बटन दिए गए हैं, उसमें से टेक्स्ट के अंदर क्या है, बैकग्राउंड के अंदर क्या है, बॉर्डर के अंदर क्या है, स्टाइल, विड्थ, कलर, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हर मार्च की एग्ज़ाम में, मतलब कि बोर्ड की एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ओरल, लिस्ट, बॉक्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट और जनरल। तो ये कितने टैब बटन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अभी सारा स्टाइल शीट अप्लाई कर दिया है, अब मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये हमने स्टाइल शीट ऐड कर दिया। अब जब आपको हेडिंग वन इस्तेमाल करना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से बॉडी टेक्स्ट के अंदर से आप लोगे हेडिंग वन, देखो अपने आप आ गया, बैकग्राउंड डॉटेड बॉर्डर आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ
एडमिशन फॉर्म। मेरा कीबोर्ड में से कैप्स लॉक का स्विच ऑफ है, फिर भी कैपिटल में टाइप हो रहा है। आप ट्राई करके देख लेना एक बार, कैप्स लॉक ऑफ होगा तो भी कैपिटल में होगा, क्योंकि हमने वो अपर केस सेट किया है इसलिए। फिर आपको इस हेडिंग के बाहर निकलना है तो यहाँ पर लास्ट में क्लिक करके आप एंटर की प्रेस कर दो, या तो डायरेक्टली यहाँ पर डबल क्लिक कर दो। अब आपको यहाँ पर पहले जैसा ही करना है कि भाई नेम लिखा, या तो फिर हम एक दूसरा और ट्राई करते हैं, अलग कलर में हेडिंग टू अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मैं कास्केडिंग स्टाइल शीट में सॉरी जाऊँगा, पहले कहाँ पर जाना है, कास्केडिंग स्टाइल शीट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से स्टाइल रूल लेना है, अब इसलिए नया हमें सिलेक्ट करना है, तो H2, फिर क्रिएट स्टाइल रूल। अब H2 को सिलेक्ट करो, टेक्स्ट में जाओ, अलाइन इस सॉरी फॉन्ट लेना है मुझे, कोई दूसरा फॉन्ट लेना है, मान लो कि एरियल फॉन्ट ले रहा हूँ। कलर उसका मैं लूँगा रेड, ओके कर दिया। फिर अपर केस फॉन्ट स्टाइल इटालिक रखना है तो इटालिक कर देंगे, या फिर नहीं रखना है तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। अलाइनमेंट हम लेंगे, लेफ्ट अलाइन लेंगे। उसका बैकग्राउंड और कुछ नहीं सेट करना है हमें, तो सिर्फ इतना ही अभी हम सेट करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ से बॉडी टेक्स्ट की जगह पे मैं लूँगा H2। अभी मैं टाइप करूँगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम। नेम लिखने के बाद फिर से वही फॉर्मूला जो आपने पहले चैप्टर के अंदर सीखा था। इंसर्ट मेनू में जाना है, फॉर्म पर क्लिक करना है और फॉर्म फील्ड। लेकिन उससे पहले, ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं ये आपको पहले बताना भूल गया, तो यहाँ से जाके मैं पहले फॉर्म डिफाइन करूँगा। इंसर्ट फॉर्म और डिफाइन फॉर्म, नाम रखूँगा मैं FRM, एक्शन में ram.html, मेथड में गेट और ओके। तो ये अपना फॉर्म आ गया। अब इसको मैं यहाँ से उठा के कंट्रोल एक्स, और ये फॉर्म एरिया के अंदर जाना है, और इस डॉटेड एरिया को आपको एंटर की प्रेस करके वाइड कर देना है। फिर कर्सर इधर ले जाओ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, तो वो कॉपी किया था, वो फिर से हमें टाइप नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने पहले से ही कंट्रोल एक्स कट कर लिया था, फिर यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन और नेम आ गया।
अब मैं फिर से इंसर्ट मेनू में जाऊंगा, फॉर्म और फॉर्म फील्ड पर क्लिक करूंगा, और यहां पर मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं उसका नाम रखूंगा नेम, और वैल्यू कुछ नहीं रखना है, ओके कर दूंगा। तो ये नेम वाला बॉक्स आ गया। अब एज रखना है मुझे मान लो, तो मैं एज रखूंगा। एज के लिए इंसर्ट में फॉर्म, फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट, नेम रखूंगा एज, ओके। अभी एज का बटन बड़ा है तो हम यहाँ से सोर्स में नीचे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये नॉर्मल HTML टैग और सोर्स और प्रीव्यू है, उसमें सोर्स बटन पर क्लिक करके ये जो कोडिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है इनपुट नेम एज, उसके अंदर यहाँ पर क्लिक करके साइज इक्वल टू 5 और सेव कर दो तो ये छोटा हो जाएगा। तो आपको इतने बड़े बॉक्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप उसको साइज उसकी कम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने कास्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल किया, अभी ये मान लो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अभी मुझे चाहिए कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैं फिर से यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट की जगह H2 लूँगा, फिर यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा मोबाइल नंबर, फिर आपको सेम फॉर्मूला, फॉर्म में फील्ड, यहाँ पर मोबाइल, ओके, फिर ईमेल, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब कि उसमें जो भी कॉन्टैक्ट के रिलेटेड जो भी फील्ड होंगे वही आपको ऐड करने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो पोर्शन होगा उसमें आप उनके रिलेटेड ही फील्ड ऐड करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर कॉन्टैक्ट के लिए जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, तो ऐसे फील्ड का आपको इस्तेमाल इसके अंदर करना है। तो इंसर्ट में जाके फॉर्म, उसमें फॉर्म फील्ड, इसमें ईमेल, कोई भी आप नाम दे सकते हो, ओके कर दो। फिर यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, इनकी जगह पे आप अगर कमेंट बॉक्स रखना चाहते हो तो भी चलेगा, कि टेक्स्ट एरिया जो हमने पहले चैप्टर के अंदर बताया था कि एड्रेस टाइप करने के लिए एक लाइन नहीं काफ़ी है, तो उसके लिए दो चार लाइनें चाहिए, तो जितनी भी कैपेसिटी का रोज और कॉलम आप डिफाइन करोगे तो उसकी जगह पे आपको टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा, और रोज और कॉलम की नंबर्स आप अपने हिसाब से दे दो। 4 लाइन और 60 कॉलम्स का हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था, तो उस तरह से आप एड्रेस के लिए चूज कर सकते हो। और इसको थोड़ी जगह देकर फॉर्मेटिंग करना है तो इस तरह से आप थोड़ा अच्छा दिखे उसके लिए आप इस तरह से थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। अब मान लो कि हम करना चाहते हैं कुछ ऐसी, यूज़र के पास से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि अपने क्वालिफिकेशन के लिए, तो क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, तो अभी मैंने H1 सिलेक्ट नहीं किया है, तो देखो नॉर्मल फॉन्ट में टाइप हो रहा है, तो अभी आपको
H2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यही CSS का फायदा है, यही मेन बेनिफिट है कि बार बार आपको फॉन्ट कलर रेड, बड़े फॉन्ट, H2 ऐसा सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने एक बार अप्लाई कर दिया कि मैं जब H1 लूँ तो मुझे इस टाइप का फॉर्मेटिंग के साथ चाहिए, H2 में सिलेक्ट करूँ तो इस फॉर्मेटिंग, ऐसा कलर होना चाहिए, इतने बड़े फॉन्ट होने चाहिए, तो ये सब हमने पहले से ही रूल्स उनके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं। अब जैसे ही आप यहाँ से हेडिंग 2 सिलेक्ट करोगे और टाइप करोगे तो अपने आप ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो भी ग्रेजुएशन, बीकॉम, बीबीए, जो मैंने आपके डिग्री को लिस्ट बनाना बताया था, उस तरह से आप यहाँ पर पुल डाउन मेनू भी रख सकते हैं, जो बीबीए, बीसीए, एमबीए बताया था पहले चैप्टर के अंदर, तो उस तरह से आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा CSS? फिर से एक बार पूरा रिपीट करके दिखा देता हूँ। कंपोजिशन टूल बार के ऊपर CSS स्टाइल शीट एडिटर का बटन दिया है, उसके ऊपर क्लिक करना है। स्टाइल रूल यहाँ पर से आप ऐड कर सकते हो, एक बार आपने ऐड किया है तो फिर दोबारा यहाँ से स्टाइल रूल पर जाना है। तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके अंदर पहला रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको जो भी हेडिंग 1, हेडिंग 2 या हेडिंग 3 कितने बड़े फॉन्ट के लिए आपको सेट करना है। हेडिंग 1 यहाँ पर एडमिशन फॉर्म, तो बड़ा फॉन्ट चाहिए तो हेडिंग 1 सिलेक्ट करो, उससे छोटा फॉन्ट चाहिए आपका जो भी टॉपिक या सब टॉपिक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जिस तरह से आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक के जो भी नाम होगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देखो, सभी चैप्टर के नाम एक जैसे ही होंगे, उनका फॉन्ट का कलर सब सेम होगा। ऐसा क्यों है? अगर वही बुक हम बनाएंगे तो पहले चैप्टर में कितने फॉन्ट से नाम लिखा है चैप्टर का, वो हम भूल जाएंगे। 7वीं 8वीं चैप्टर में जाएंगे तो 12 फॉन्ट का इस्तेमाल किया था या फिर 16 फॉन्ट का इस्तेमाल किया था, वो हम भूल जाते। तो वही हमें यहाँ पर सीखना है। आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करके एक बार देख लो, आपका जो मेन टॉपिक होगा उसका रंग, उसका फॉन्ट साइज सेम होगा, और उनका जो सब टॉपिक होगा तो वो अलग कलर से दिया होगा, उनका फॉन्ट साइज अलग होगा, उनका फॉन्ट कलर अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें उसी के हिसाब से हमें सीखनी है कि हम अगर भूल जाए कि मैंने चैप्टर का नाम 14 फॉन्ट का दिया था या 16 फॉन्ट का दिया था या 20 का दिया था, अब उनके जो सब टॉपिक है उनके फॉन्ट साइज कितने रखने हैं, और पहले चैप्टर में कितने दिए थे, अब दूसरे चैप्टर के या तीसरे चैप्टर में हम जब काम कर रहे हैं तो वो भूल जाएंगे कि भाई सब टॉपिक या उनके जो भी सब टॉपिक है उनकी फॉन्ट साइज कितनी थी और मेन टॉपिक की फॉन्ट साइज कितनी थी, ये हम भूल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर के अंदर काम करेंगे तो ये दिक्कत होगी। तो ये परेशानी आपको ना हो, इसीलिए तो ये CSS हमें यूजफुल रहेगा। तो उसी के हिसाब से हमें CSS का इस्तेमाल बहुत ही यूजफुल रहेगा कि आप एक बार H1 के लिए, तो H1 आप चैप्टर के हेडिंग के लिए इस्तेमाल करो, H2 है वो आपका चैप्टर का जो टॉपिक है उसके लिए इस्तेमाल करो, फिर H3 है वो उसके सब टॉपिक या तो पेटा टॉपिक के लिए आप इस्तेमाल करो। तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, भाई पहला H1 है वो चैप्टर के नाम के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा, H2 है उसको मैं चैप्टर के मेन टॉपिक जहाँ पर शुरू होगा उसी के लिए मैं H2 का इस्तेमाल करूँगा, और जो मेन टॉपिक का सब टॉपिक है उसके लिए मैं H3 का इस्तेमाल करूँगा। तो आपकी टेक्स्ट बुक जब पूरी कंप्लीट होगी, या तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, दूसरा चैप्टर कंप्लीट होगा, तो सब में एक जैसे ही हेडिंग रहेंगे, सब चैप्टर का नाम सेम रहेगा, उनका मेन टॉपिक होगा उसका हेडिंग भी सेम रहेगा, और उनके जो भी पेटा टॉपिक मतलब सब टॉपिक होंगे तो वो भी सेम फॉन्ट सेम कलर में रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा।
क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। किस लिए कि अगर आप किताब पढ़ते हो और टॉपिक के सब टॉपिक कौन से हैं, तो वो पढ़ने वाला जो यूज़र होगा वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपने कलर चेंज कर दिया तो ये तो इसी टॉपिक का सब टॉपिक है और आपने गलती से उसका कलर और फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, तो जो भी आपका यूज़र किताब पढ़ने वाला जो यूज़र होगा वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब आपके सारे सब टॉपिक ख़त्म होंगे तब आपको नया टॉपिक के लिए H2 वापस सिलेक्ट करना है। ये आप अपने हिसाब से एक बार किताब खोल के देख लो, चैप्टर का नाम, टॉपिक, मेन टॉपिक जो है, उनके सब टॉपिक, तो उनका कलर और रंग अलग अलग या फॉन्ट साइज अलग अलग होंगी। आप एक बार देख लो सारे चैप्टर के नाम, चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 3, 4, 5 अप टू 13 तक देख लो, सारे चैप्टर का हेडिंग और फॉन्ट साइज एक जैसा होगा। फिर उस हर एक चैप्टर का जो मेन टॉपिक होगा वो एक जैसा होगा, फिर उनके जो सब टॉपिक होंगे वो भी सेम साइज और सेम कलर के होंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा था कि हेडिंग 1 लेना है या हेडिंग 2 लेना है, तो आप यहाँ से एक बार जो भी हेडिंग लेना है सिलेक्ट करना है और क्रिएट स्टाइल रूल पर क्लिक करने के बाद आपको ये टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर जो भी है उसके अंदर आपको जाके, ये हमने मान लो कि H2 के लिए दिया था तो एरियल रेड, स्टाइल में इटैलिक और टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म नन, मतलब कुछ नहीं दिया था, और टेक्स्ट को अलाइन लेफ्ट सेट किया था, तो अलाइन लेफ्ट यहाँ पर से शुरू हो रहा है। इसको एडमिशन फॉर्म को हमने सेंटर अलाइन दिया था तो पेज के सेंटर में आ रहा है। देखो इस तरह से इधर भी जगह छोड़ी और यहाँ पर से भी जगह छोड़ी है और पेज के सेंटर में बिल्कुल आ रहा है एडमिशन फॉर्म। और इसका H2 का हमने लेफ्ट अलाइन सेट किया था तो आपके लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करेगा। अगर आपने राइट अलाइनमेंट दिया होता तो इधर से लिखना शुरू होता, जैसे उर्दू में लिखते हैं, राइट हैंड साइड से लिखना शुरू होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर ख़त्म होगा, तो वो राइट साइड होगा, राइट अलाइन। ये हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, तो उसको हमने लेफ्ट अलाइन दिया है तो लेफ्ट साइड से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये किस तरह से यूज़फुल रहेगा आप बखूबी जान गए कि सारा एक जैसा दिख रहा है। देखो कितना अच्छा आपका पेज डिज़ाइन होके तैयार हो गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही आएगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उनका, ये तो मैंने अभी बहुत कम इन्फॉर्मेशन डाली है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रेसिडेंस एड्रेस, जॉब एड्रेस आप डाल सकते हो कि जो कंपनी में काम कर रहा है तो वो कंपनी कहाँ पर है। मान लो कि अगर घर वालों को कुछ हो गया तो पड़ोसी को पता होना चाहिए ना कि भाई ये आदमी, बंदा कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। आप 5 साल से पड़ोसी के बाजू में या पड़ोस में रहते हो और पता भी नहीं है पड़ोसी को कि भाई ये भाई कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ आप इसमें डाल दो तो कंपनी वालों को भी पता चले कि भाई अगर कंपनी में आपको कुछ हो जाता है तो भाई आपका घर का एड्रेस तो उनको पता होना चाहिए ना। तो ये जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी में देनी पड़ती है, आपकी पूरी डिटेल आप एक बार कंपनी को दोगे तो वो अपने सारे एम्प्लॉय का पूरा डिटेल अपनी वेबसाइट पे इस तरह से रखेंगे, तो ये काफ़ी बढ़िया आपको यूज़फुल रहेगा। आप जितना सोचोगे उतना इस पेज को बढ़िया सा डेकोरेट कर सकते हो और CSS उसमें ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेगा। तो फ्रेंड्स अब आपको इस जो आपने पहले चैप्टर में जो फॉर्म बनाया था उसी फॉर्म को आप दोबारा CSS का इस्तेमाल करके ऐसे पोर्शन आपको अलग अलग क्रिएट करने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप अपने हिसाब से भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बना के उसके अंदर आप नॉर्मल फॉन्ट में पूरी डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल, ग्रेजुएशन की जो भी डिग्रीज है वो, नेम, एज, बर्थ डेट और
बहुत सारी आपने जो पहले चैप्टर के अंदर है इन्फॉर्मेशन वो सारी इसमें डालना है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ हेडिंग ही देना है। जैसे कि मैंने आपको तीन अभी रेड कलर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो, तो ऐसा आप फॉर्म आपको एक दोबारा बनाना है, या तो फिर जो आपने फॉर्म बनाया है उसी फॉर्म के अंदर आप ये CSS स्टाइल शीट ऐड कर सकते हो। कंपोजिशन टूल बार के ऊपर लास्ट में जो CSS कलर वाला बटन आपको दिख रहा है, इस बटन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। तो मैंने जो भी आपको बताया था वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये सब सेम टू सेम है। ये सारी चीज़ आप एक बार प्रैक्टिकल करोगे फ्रेंड्स, तो उसमें पूरा फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया है। और एक बार आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना, तो CSS का यहाँ तक का काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप पहले से ही पढ़ लेना पूरा, जितना मैंने पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में जितना भी करवाया है वो सारा प्रैक्टिस करना। आपको कोई दिक्कत हो तो पॉइंट नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट। थैंक यू।